आखिर ये जादुई पत्थर हवा में कैसे तैर रहे हैं। और आज सबसे पहली बार मैं आपको एक स्पाइडर की सिंगिंग सुनाने वाला हूं। और क्या आपको बताया कि साल 1971 के आसपास यूएसए में बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता था जिसको सुनकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडो फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में उस बैक्टीरिया की तरफ व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है, जहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को चारों ही तरफ से घेर कर उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपने इस चीज को कभी भी बुक्स या फिर एनिमेशन से ऊपर उठकर हकीकत में अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो जैसा कि मैं हर बार ही आपसे कहता हूं कि आपने बिल्कुल ही सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए देखते हैं उस अमेजिंग वीडियो क्लिप को। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें हमारी बॉडी के WBC के द्वारा एक बैक्टीरिया को चारों ही तरफ से घेर कर मारता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के WBC किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करने से पहले उसको चारों ही तरफ से कुछ इस तरीके से घेरते हैं ताकि वो बैक्टीरिया ज्यादा बड़े स्केल पर हमारी बॉडी में ना फैल सके। एंड लास्टली वो कुछ इस तरीके से उस बैक्टीरिया को चंद ही घंटों में मारकर खत्म कर देते हैं। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स दिखाए हैं जो कि मैटिंग के लिए बेहद ही यूनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी साउंड्स के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी भी ये पता ही नहीं चलता है कि हकीकत में ये साउंड जिसके लिए भी निकाली जा रही है उसको ये साउंड कैसी सुनाई देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद वॉल्फ मेल स्पाइडर मेटिंग के लिए एक बेहद ही यूनिक साउंड को प्रोड्यूस करती है जिसको कि पुर साउंड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये साउंड हमें कुछ इस तरीके की सुनाई देती है। तो ये तो बात हो गई हम ह्यूमंस की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आवाज जिस फीमेल वॉल्फ स्पाइडर के लिए निकाली गई थी उस स्पाइडर को ये आवाज कैसी सुनाई दी होगी? नहीं तो माय इंडिया फैमिली, तैयार हो जाइए कुछ रेयर सुनने के लिए। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि वॉल्फ स्पाइडर की ये अभी तक की एकमात्र ऐसी साउंड है जिसको रिसर्चर्स के द्वारा डीकोड करके ह्यूमंस के सुनने लायक बनाया गया है। तो ये साउंड इफेक्ट अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12। आपने पार्सल सर्विस का यूज करते हुए बेहद ही बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तो जरूर भेजा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी पार्सल सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पार्सल किया है? आई नो सुनने में ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन वास्तव में इतिहास में ऐसा होता था। दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएसए की जानी मानी पार्सल कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज के द्वारा पोस्ट और पार्सल सर्विसेज को यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इनिशियल स्टेज पर लो इनकम वाली फैमिलीज अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के घर पार्सल करने के लिए इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस समय ये कंपनी किसी भी बच्चे को 120 किलोमीटर दूर पार्सल करने के लिए इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 40 रुपए लिया करती थी। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, जहां पर लोग अपने ही बच्चों को रिलेटिव को पार्सल कर दिया करते थे। फैक्ट नंबर 11। हम सभी ने यह पढ़ा है कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, बट आई एम डैम श्योर जिसने भी ये लिखा था उसको इस पूरी दुनिया की फिशेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि अगर उसको नॉलेज होती तो उसको यह भी पता होता कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो पानी से बाहर भी घंटों तक रह सकती है। ना सिर्फ वो पानी से बाहर रह सकती है, बल्कि वो पानी के बाहर चल भी सकती है, एंड इवन वो रॉक्स पर क्लाइंब भी कर सकती है। मिली एक क्लाइंबिंग गोरामी से, जिसको कि क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों, ये फिश पानी के बाहर जमीन पर कई घंटों तक कुछ इस तरीके से चल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये फिश कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में किसी भी रॉक या फिर स्टोन पर एक प्रोफेशनल क्लाइंबर की तरह क्लाइंब भी कर सकती है। असल में दोस्तों, ये फिश ऐसा सिर्फ इसलिए कर लेती है क्योंकि इसके गिल्स के पास लैब्रिंथ प्लेट्स कुछ इस तरीके से डेवलप होती हैं कि ये फिश पानी से बाहर भी एक ह्यूमन की तरह ऑक्सीजन ले सकती है। तो इस फिश को देखने के बाद आपका ये भ्रम तो जरूर टूट गया होगा कि सभी मछलियां जल की रानी होती हैं। एक्चुअली कुछ मछलियां जल के बाहर भी रानी होती हैं। फैक्ट नंबर 10। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खाना खाने के बाद आलस या फिर नींद आने लगती है, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हम तो ठहरे साइंस लवर्स, तो हमारे लिए एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो सकती, राइट?
तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज या फिर फैट होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का मेन मोटिव उस फूड को तुरंत ही डाइजेस्ट करना होता है। अब क्योंकि डाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी को भी कंज्यूम करती है। और यही वो कारण है दोस्तों कि जब भी हम कुछ ज्यादा या फिर हैवी खा लेते हैं, तो हमारा ब्रेन उस चीज को जल्दी डाइजेस्ट कराने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक एनर्जी और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अब दोस्तों, इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि हमारे ब्रेन को जितनी एनर्जी और ब्लड फ्लो मिलना चाहिए था, उसे उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में एडेनोसाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होने लगता है। और ये वही केमिकल होता है जो हर रात सोने से पहले भी हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और इसी केमिकल की वजह से हमें काफी गहरी नींद भी आती है। परिणाम स्वरूप हम जब भी लंच या फिर डिनर करते हैं, तो उसके बाद हम काफी ज्यादा स्लीपी महसूस करते हैं। हालांकि ये चीज उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होती है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी और ज्यादा ब्लड फ्लो हमारे स्टमक की तरफ भेजना पड़ता है। और यही वो कारण है कि ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा बड़ी एज वाले लोग ज्यादा महसूस करते हैं, जबकि यंगस्टर को ये प्रॉब्लम काफी कम होती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद स्टारलिंक बर्ड्स अपनी मर्मुरेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। मतलब कि ये बर्ड्स एक जगह पर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर आसमान में बेहद ही यूनिक और एलाइंड वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इन बर्ड्स की मर्मुरेशन को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत मर्मुरेशन में से भी एक मर्मुरेशन माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इन बर्ड्स की क्वालिटी की। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी भी इन बर्ड्स की उस अमेजिंग फ्लाइंग पैटर्न को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, उसमें इन्हीं बर्ड्स के झुंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही खूबसूरत वे में ट्रेवल किया जा रहा है, जो देखने में अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत और अमेजिंग जरूर है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इन बर्ड्स की अमेजिंग मर्मुरेशन को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बार अंडे को बॉईल करने के बाद हम उसको दोबारा से अनबॉईल नहीं कर सकते, राइट? रॉन्ग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। असल में दोस्तों, कोई भी एग बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला वाटर और दूसरा प्रोटीन। बात अगर प्रोटीन की जाए तो प्रोटीन किसी भी अंडे में वीक केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक बंडल के रूप में मौजूद होता है। अब जब भी हम किसी भी एग को गर्म करते हैं तो बंडल में मौजूद वो केमिकल बॉन्ड हीट मिलने की वजह से टूट जाता है और वो बंडल खुलकर एक प्रोटीन की चेन बना देते हैं, जिसकी वजह से एग अंदर का प्रोटीन एक सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेता है और हमारा अंडा पूरी ही तरीके से बॉईल हो जाता है। तो वही दोस्तों, अगर हम कैसे भी दोबारा से उन खुली हुई चेन्स को दोबारा से फोल्ड करके बंडल्स में कन्वर्ट कर दें, तो हम किसी भी बॉइल्ड एग को दोबारा से अनबॉइल्ड कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया का। असल में दोस्तों, यूरिया एक ऐसा केमिकल है जो दोबारा से ही एग में मौजूद प्रोटीन की चेन्स को फोल्ड करके उनको एक बंडल के रूप में बांध देता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस अंडे को बॉईल करते समय होती है, यूरिया उसी प्रोसेस को उसी क्रम में वापस करना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप हमारा बॉइल्ड एग दोबारा से ही अनबॉइल्ड हो जाता है। तो टेक्निकली और साइंटिफिकली आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी बॉइल्ड एग को दोबारा से अनबॉइल्ड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो दिखाई हैं, और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा आर्टिस्ट दिखाने वाला हूं जो किसी भी पेड़ को ही गायब कर देता है। नहीं समझे तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में दोस्तों, जर्मनी में रहने वाले डेनियल सीरिंग और मारियो शू किसी भी पेड़ के तने को प्लास्टिक से रैप करके उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक बैकग्राउंड को पेंट करते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि मानो पेड़ का कुछ हिस्सा कुछ इस तरीके से बीच से इनविजिबल हो गया है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस आर्ट और इन आर्टिस्ट को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। सच में ये एक ऐसा इल्यूजन है जो अच्छे अच्छे लोगों का सर चकरा सकता है। फैक्ट नंबर 6, दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर रेयर एनिमल्स तो दिखाई हैं, और उसी की चर्च पर ही क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर कैट को देखा है? असल में दोस्तों, इस कैट का नाम बोर्नियन बे कैट है, जो कि कुछ इस तरीके की एक छोटे साइज की गोल्डन कैट है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये कैट इतनी ज्यादा रेयर है कि साल 1874 से लेकर साल 2002 के बीच में ऐसी मात्र 12 बिल्लियां ही देखी गई थी। बावजूद इसके भी आज मैं आपको इस कैट की बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है, उसको इस कैट की बेहद ही रेयर और उन चुनिंदा वीडियो क्लिप्स में से भी एक वीडियो क्लिप माना जाता है जिसमें इस कैट को कभी भी कैप्चर किया गया था। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस रेयर कैट के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5,
जरा सोचिए कि आप कहीं घूमने जाएं और वहां पर आपको एक ही इंसान का चेहरा सभी इंसानों के ऊपर दिखे, बस फर्क सिर्फ इतना हो कि उन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हो, और इन चीजों से घबराकर जब आप कहीं और जाएं तो वहां पर भी आपको हर इंसान के ऊपर एक ही चेहरा लगा हुआ नजर आए। तो इस कंडीशन में आपको कैसा लगेगा? असल में दोस्तों आपको ठीक वैसा ही लगेगा जैसा कि एक फ्रिगोली डिल्यूजन की बीमारी से ग्रसित इंसान को लगता है। असल में दोस्तों ये बेहद ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सस्पेक्ट को हर एक इंसान के चेहरे के ऊपर एक ही चेहरा नजर आता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मेंटल डिसऑर्डर के चलते हुए अक्सर सस्पेक्ट पागल तक हो जाता है। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह दोस्तों कि आज तक भी मेडिकल साइंस ये पता नहीं लगा पाई है कि हकीकत में ये मेंटल डिसऑर्डर किसी भी इंसान को क्यों होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी आज तक कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 4, सोलर पैनल्स इस पूरी दुनिया का भविष्य है, लेकिन दोस्तों इन पैनल्स के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका हैवी वेट और इनको इंस्टॉल करने में आने वाली परेशानी है, क्योंकि किसी भी सोलर पैनल को हम अपने मन मुताबिक ना ही फोल्ड कर सकते हैं और ना ही बैंड, या यूं कहूं कि हम कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इंक को इन्वेंट किया गया है। असल में दोस्तों इस इंक को बेहद ही एडवांस सेंसर्स और ऑयल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इस इंक को आप किसी भी कागज या फिर बेहद ही थिन प्लास्टिक के ऊपर डालकर उस कागज या फिर प्लास्टिक शीट को एक सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस इंक का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए सोलर पैनल्स ऑर्डिनरी सोलर पैनल्स की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस इंक और इस इंक के लिए बनाए गए प्रिंटर को एक बार परचेज करने के बाद ऑर्डिनरी प्रिंटर की तरह किसी भी पेपर या फिर प्लास्टिक शीट को इस इंक को प्रिंट करते हुए उसको एक सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वास्तव में यह चीज आगे चलकर लाइफ चेंजिंग जरूर बनेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की है, क्योंकि दोस्तों आज हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करके हवा में छोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हमें हमारी बॉडी पर भी देखने को मिलता है। तो भाई दोस्तों क्या आपको पता है कि कनाडा में बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्रीज और अलग अलग प्रोडक्शन होने के बावजूद भी वहां की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। लेकिन आखिर कनाडा ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अक्टूबर 2015 में कनाडा में पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े मैन मेड एटमॉस्फेरिक कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। असल में दोस्तों इस प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए लगाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस प्लांट में कुछ इस तरीके के बेहद ही बड़े बड़े फैंस को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि एटमॉस्फेयर से हवा को सक करके प्लांट के अंदर थ्रो करते रहते हैं, जिसके बाद इस प्लांट में मौजूद कार्बन कैप्चरिंग डिवाइसेस उस हवा से कार्बन को कैप्चर करके उस हवा को प्योर करके दोबारा से ही एटमॉस्फेयर में थ्रो कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ इसी प्लांट के दम से कनाडा में एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों में काफी हद तक गिरावट भी आई है। तो ये प्लांट किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हैदराबाद में रहने वाले 20 वर्षीय नीलकांता भानु प्रकाश ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने का खिताब जीता है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड भारत की ही शकुंतला देवी के नाम था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भानु के द्वारा मेंटल कैलकुलेशन और वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में एक बेहद ही शानदार जीत भी हासिल की गई है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1, ये जादुई पत्थर आखिर हवा में कैसे उड़ रहा है? दरअसल दोस्तों साल 2012 में दुनिया भर की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया एप्स और वेबसाइट पर इस पत्थर की इमेज वायरल होने लगी थी, जिसमें यह बताया गया था कि किसी धर्म विशेष के एक महान इंसान के द्वारा इन पत्थरों को 1400 साल पहले कुछ इस तरीके से हवा में तैराया गया था, जो अपने आप में किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ये पत्थर किसी भी चमत्कार के चलते हुए इस तरीके से हवा में तैर रहे हैं, और वास्तव में इन पत्थरों की असली हकीकत क्या है? असल में दोस्तों इन पत्थरों को 1400 साल पहले नहीं बल्कि साल 2008 में एक इजिप्टियन आर्टिस्ट शौबान अब्बास के द्वारा कायरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के सामने बनाया गया है। असल में दोस्तों अब्बास इजिप्ट के काफी ज्यादा फेमस आर्टिस्ट थे, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे स्कल्पचर्स और आर्ट्स को आज भी इजिप्टियन म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। और इनकी इसी कला से इंप्रेस होकर इजिप्टियन गवर्नमेंट के द्वारा साल 2008 में उनसे ये फ्लाइंग स्टोन का स्कल्पचर बनाया गया था, जिसकी पुष्टि खुद इजिप्टियन गवर्नमेंट के द्वारा की जा चुकी है। तो ये तो बात हो गई इस स्टोन की सच्चाई की। अब बात करते हैं कि आखिर ये स्कल्पचर कुछ इस तरीके से हवा में
कैसे तैर रहा है। असल में दोस्तों ये स्कल्पचर एक बेजोड़ नमूना है ऑप्टिकल इल्यूजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जहां पर दोस्तों इन आर्टिफिशियल स्टोन्स को कुछ ऐसे एंगल पर अलाइन किया गया है कि जिससे इस पूरे ही स्कल्पचर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्कल्पचर के ठीक बीचों बीच बनती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अलाइन्ड रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस स्कल्पचर के अंदर कुछ इस तरीके से मेटल रॉड्स को भी डाला गया है, जिसकी वजह से इस स्कल्पचर के बीच में हमें जो ये रोप जैसा हिस्सा दिखता है, हकीकत में ये कोई रोप नहीं बल्कि एक सख्त मेटल की रॉड है, जिसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दूर से देखने पर हमें एक रस्सी की जैसी लगती है, और यही मेटल रॉड इस पूरे स्कल्पचर को बांधे रखती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पूरे स्कल्पचर को प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिसकी वजह से इस पूरी स्कल्पचर का वेट काफी ज्यादा कम रहता है और ये स्कल्पचर बेहद ही आसानी से हवा में मेटल रॉड के द्वारा स्थिर भी रहता है। एंड हमें कुछ ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर हवा में तैर रहा है। सो फाइनली अब आप इस स्कल्पचर की सच्चाई और साइंस भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।